I have been told that there are so many foreign delegates who are here to participate in this international Gita festival. My special greetings and felicitations to Sri David Foley, who has come from the USA, along with may I also mention a few names, Professor James Igarty from UK, Mr. Stephen Nath from USA, Sri Ajay Narula from Japan, Mr. Oleg G from Russia, Ms. Mahalivia from Kyrgyzstan, Mr. David Fale, whom I have already mentioned, and Mr. Kulkarai from Kyrgyzstan. Of course, they are not alone, but with their colleagues. I welcome you to this great land of Haryana and particularly India. राष्ट्रपति के रूप में हरियाणा की ये मेरी पहली यात्रा है। भारतीय परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अवसर पर मुझे यहाँ बहुत हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। गीता से जुड़े इस महोत्सव में इतनी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित, हम सब लोग केवल इसी हाल में एकत्रित नहीं हुए। जब से मैं आया हूं दो घंटे पूर्व से, मैं सरोवर पर भी गया, जलाभिषेक किया, हवन में फूल आहुति दी, और मैं वहां सब जगह देख रहा हूं, पूरे कुरुक्षेत्र में आज जैसा कि मेला लगा हुआ है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला, और यहां पर भी बहुत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए हैं, इसकी मुझे और भी खुशी है। लेकिन एक तीसरी खुशी और है, और वो ये है कि जिस सभागार में हम बैठे हुए हैं, मुझे बताया गया ये सभागार का नाम और कुछ नहीं है बल्कि भगवत गीता सदन है। मुझे लगता है कि शायद इसकी सार्थकता और इसकी जो रेलिवेंस है वो इससे और बढ़कर के कुछ नहीं हो सकती। 2016 से बड़े पैमाने पर गीता महोत्सव का आयोजन की पहल के लिए मैं मुख्यमंत्री और पूरी हरियाणा सरकार की भूरी भूरी सराहना करता हूँ। मेरा यह मानना है कि गीता नैतिकता और न्याय के विजय का संदेश देती है, और इस समारोह के द्वारा गीता का यह संदेश प्रसारित हो रहा है। मुझे बताया गया है कि इस वर्ष के आयोजन में मॉरिशस भागीदार देश है और उत्तर प्रदेश भागीदार राज्य है। मैं मॉरिशस और उत्तर प्रदेश के कलाकारों और सहयोगियों की भी बहुत सराहना करता हूं। भाई और बहनों, इस कार्यक्रम के निमंत्रण के लिए जब आपके मुख्यमंत्री मेरा निर्वाचन 25 जुलाई को हुआ, अगस्त के प्रथम सप्ताह में मुख्यमंत्री जी आए कर्सी कार्य के लिए, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने एक निवेदन किया और ये कहा कि राष्ट्रपति जी, मैं चाहता हूं कि कुरुक्षेत्र में होने वाले जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है उसमें आप जरूर बता रहे। तो मैंने कहा कि वो तो आपका नवंबर में होता है, इतनी जल्दी क्यों आप हमें निमंत्रण दे रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, आपको मैं चाहता हूं कि आप जरूर आए। तो मैंने तुरंत स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री जी बड़े आश्चर्य से कहने लगे कि मैं जिस कल्पना के साथ आया था, मेरी कल्पना ये थी कि आप मेरा निमंत्रण पत्र रख लेंगे
और कहेंगे कि ठीक है हम आपको हमारा कार्यालय आपको स्वीकृत करेगा समय आने पर। लेकिन आपने इतनी जल्दी स्वीकृति क्यों दे दी? मैंने कहा मुख्यमंत्री जी उसके पीछे दो कारण। पहला कारण यह है कि ये गीता का सार या गीता महोत्सव का केंद्र बिंदु जो श्री कृष्ण है, वो श्री कृष्ण की जन्मभूमि जो प्रदेश है वही प्रदेश मेरी भी जन्मभूमि है। तो ये मेरा सौभाग्य होगा कि ऐसे इस प्रकार के कार्यक्रम में मैं सम्मिलित हूं। और दूसरा कारण, जब उन्होंने बताया कि मैं इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित करता हूं, तो मुझे लगा, मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी मेरे ध्यान में कुछ बातें आ रही हैं जो हरियाणा कभी किसी दृष्टि से बहुत विकसित है आर्थिक दृष्टि से, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी छवि भी बहुत खराब होती है। लेकिन एक चीज मुझे याद है हरियाणा की बेटियों की कि उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति पाई है, और इसलिए ये बहुत समीचीन होगा कि आप जिस अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव की बात करते हैं तो हरियाणा में आकर के हरियाणा की धरती पर आकर के मैं उन बेटियों की बात जानूंगा। इसलिए मेरे दो कारण थे और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि मुझे आपने तुरंत स्वीकृति दे दी। हम सब लोग जानते हैं कि महाकवि वेद व्यास ने श्रीमद भागवत गीता अर्थात गीतम भी हो सकता था, अन्य शब्द भी हो सकते थे, पुल्लिंग भी हो सकते थे, लेकिन ये स्त्रीलिंग क्यों चुना? इस पर बार बार मैं विचार करता रहा और मुझे लगा कि शायद इतने महान शब्द शिल्पी ने स्त्रीलिंग का चयन, शायद मैं संभवता की बात कर रहा हूं, ये तो खोज की बात है, कि संभवता मात्र शक्ति की गरिमा को मान्यता देने की नियत से ही किया। जैसे आज की भाषा में हम विमेन एम्पावरमेंट कहते हैं, नारी सशक्तिकरण, किसी सूच के अनुरूप जो मुझे बहुत अच्छा लगा उसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार ने राज्य में स्त्री शक्ति को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। उसमें एक जो बहुत बड़ा कदम है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और उस दिशा में उसका असर क्या हुआ कि वर्ष 2011 में हरियाणा में 1000 लड़कों की तुलना में 830 लड़कियां हुआ करती थी, लेकिन जनवरी 2015 में ये अभियान जब से प्रारंभ हुआ है तब से अब लड़कियों का ये अनुपात बढ़कर 9937 हो गया है। अगर हम बहुत नजदीक हैं और ये बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट है मुख्यमंत्री जी आपकी सरकार का और यहाँ की जनता का। हम सब लोग जानते हैं कि हरियाणा की बेटियां आज राज्य का और देश का गौरव अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा। सबसे पहले मैं नाम लेना चाहता हूं कि जिसने भारतीय लोकतंत्र में एक अद्भुत एक बेटी, यहाँ की बेटी जो अपने 25 वर्ष के करियर में यहाँ की विधानसभा की विधायक बन जाती है, मंत्री बन जाती है, और उसका नाम था सुषमा स्वराज। इसको मैं केवल वेमेन एम्पावरमेंट से जोड़ूंगा और उसके बाद मैं आऊंगा कि इसमें गीता का महत्व क्या है। हम सब लोग जानते हैं उनके बारे में जितना कहा जाए, वो आज हिंदुस्तान आजाद हिंदुस्तान की दूसरी विदेश मंत्री के रूप में दूसरी हैं, पहली विदेश मंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी। ऐसा उदाहरण भारतीय लोकतंत्र में मुझे नहीं लगता है कि हरियाणा को छोड़ करके किसी प्रदेश को ये गौरव मिला हो। कल्पना चावला
जो जिससे अंतरिक्ष में जा करके आखिर अंतरराष्ट्रीय की तो हम बात करते हैं, देखो उसने तो ब्रह्मांड को चीरा, ब्रह्मांड पर पहुंचने की बात की, उसने अपनी क्षमता का परिचय दिया और वो हमेशा के लिए जनमानस में अमर हो गई। संतोष यादव एक कितने पिछड़े हुए परिवार, ग्रामीण परिवार से निकल करके आई, जिसने कि एवरेस्ट की चोटी पर दो बार तिरंगा फहराया, दो बार, एक बार नहीं दो बार। और मैं इसको मैंने अपने सेक्रेटरिएट में कहा राष्ट्रपति भवन में कि आप इसका जरा पता करिए कि जो महिलाएं गई हैं एवरेस्ट में दो बार कौन गई है, तो ये पता लगा कि साहब ये हरियाणा की केवल ये संतोष यादव है जो कि दो बार गई वहां पर थी तिरंगा। उसके पश्चात तो कई बेटियों के नाम, साक्षी मलिक, गीता, बबीता, विनेश फोगट, इन सब के नाम, परिणीति चोपड़ा, लेकिन ये सभी इन बेटियों की जो कहानी है वो गीता से जुड़ी हुई है। और जो सबसे बाद में जो अभी अभी जिस बेटी का मैं नाम उल्लेख करना चाहूंगा, झज्जर की मानुषी छिल्लर, कैसे हम उसको भूल सकते हैं, क्या हिंदुस्तान में उसके जैसी और बेटियां नहीं है, लेकिन ये गौरव जाता है हरियाणा को, यहाँ की धरती। और उससे भी बड़ी बात, उस बेटी ने अपने प्रतिक्रिया में जो कहा था, उसने कहा था कि वो उसने अपनी माँ और सभी माताओं के अमूल्य त्याग और प्रेरणा के कारण मातृत्व को सर्वश्रेष्ठ प्रोफेशन का दर्जा दिया था। प्रोफेशन ये हरियाणा के सांस्कृतिक मूल्यों की जो धरोहर है उसको उस बेटी ने पूरी दुनिया के सामने रखा और समाज के निर्माण में महिलाओं के योगदान को रेखांकित किया। हरियाणा की इन बेटियों ने राजनीति से लेकर पर्वतारोहण तक, खेल के मैदान से लेकर अंतरिक्ष तक तथा शिक्षा से लेकर सौंदर्य प्रतियोगिताओं तक अपनी उच्च कोटि की प्रतिभा के माध्यम से हरियाणा और भारत का गौरव अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया। और भी कई ऐसी बेटियों के नाम हैं, जिनमें से कुछ का ही मैंने उल्लेख किया है। हमें हरियाणा की धरती पर जन्मी इन सभी बेटियों पर बहुत गर्व है। मैंने इन बेटियों का उदाहरण इसलिए दिया है कि ये सभी गीता के कर्मयोग का ज्वलंत उदाहरण। हम समझ सकते हैं कि गीता के सार को उन्होंने अपने जीवन में ढालकर वो आगे बढ़े, भविष्य की चिंता न करते हुए एकाग्रचित होकर अपने कर्तव्यों का निरंतर निर्वहन करना गीता का मुख्य संदेश है। अभी हम सोच रहे होंगे कि गीता का और इन बेटियों से संबंध क्या है, तो यहां पर एक चीज स्पष्ट कर दूं, जिसको कि स्वामी ज्ञानानंद जी और अन्य सभी विद्वानों ने उल्लेख किया, आगे भी करेंगे, कि मनुष्य के अपने हर जीवन में उसके मन में एक द्वंद्व चलता रहता है, अनुकूलता का प्रतियोग, प्रतिकूलता का, संघर्षों का, अच्छाई का, बुराई का, सच्चाई का, न्याय अन्याय का, एक द्वंद्व जो चलता है। और वो द्वंद्व इतना खतरनाक होता है कि उसका यदि किसी को समाधान नहीं मिलेगा तो व्यक्ति बहुत पीड़ित होता, तो बहुत दुखी होता है, उसको लगता है कि यह दुनिया बेकार है। सब कुछ होते हुए भी जिसको हम भौतिकवाद की बात करते हैं, भौतिकता से बहुत अच्छे अच्छे जिनको दूर से लगते हैं कि भौतिकता की पराकाष्ठा, भौतिकता की श्रेणी में इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, वो तो सर्वगुण संपन्न और सबसे अधिक सुखी होंगे, लेकिन उनके दिल से पूछिए वो सबसे अधिक, सबसे अधिक। और उसका कारण है द्वंद्व। ये जो द्वंद्व की बात आती है, इन बेटियों के मन में भी हरियाणा का एक जो सामाजिक परंपरा है, उन परंपराओं में इन बेटियों को, उस परंपराओं, वो जो परम सामाजिक विकृति जिसको मैं कह सकता हूं, कि उस विकृति से निकल करके इन बेटियों
के मन पर क्या गुजरी होगी, इन बेटियों के परिवार के जो माता पिता हैं उन पर क्या गुजरी होगी जब ये बेटियां कहती थी कि मैं अंतरिक्ष में जाऊंगी। कोई नहीं हिंदुस्तान का मां बाप कहेगा, लेकिन जो मां बाप यहां का होगा, उसके गांव का होगा, उसके मन पर क्या गुजरती होगी कि हमारी बेटी अंतरिक्ष में जाएगी, हमारी बेटी सौंदर्य प्रतियोगिता में जाएगी। जिस हरियाणा की जो हमारी बहनें हैं जिनको कि एक घूंघट उठाना भी गवारा नहीं होता है, वो बेटियां इतनी ऊंची पर और इतना ही ऊंची पर और पूरी सारे जो रीत रिवाज और परंपराओं को तोड़ करके, ये जो तोड़ने की बात आती है यहाँ पर चलता है द्वंद। और इस यही द्वंद, ये भी कहा जाता है, उन द्वंद्वों से निकली है। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में भी द्वंद्व था, ये द्वंद के कारण ही महाभारत हुआ। इस युद्ध में न्याय के पक्ष में पांडव थे, जो केवल 5 गांव दे दिए जाने पर शांति के लिए सहमत थे, परंतु कौरवों ने उन्हें सुई की नोक के बराबर भूमि भी ना देने का अन्याय का मार्ग बनाया था। यहां पर भी न्याय और अन्याय की लड़ाई। वो अन्याय के विरुद्ध न्याय और अत्याचार के विरुद्ध सदाचार का युद्ध था। घोर अन्याय के विरुद्ध उस संघर्ष में अंततः विजय पाने वाले पांडवों की सबसे बड़ी शक्ति थे श्री कृष्ण तथा गीता का अमर और जीवंत उपदेश। अनेकता, अनैतिकता और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष में गीता के प्रभाव के उदाहरण आधुनिक इतिहास में भी उपलब्ध है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी गीता को अपनी आंतरिक शक्ति और विवेक का स्रोत मानते थे और गीता का उल्लेख माता के रूप में करते थे। अपनी आत्मकथा में गांधी जी ने लिखा कि जैसे अंग्रेजी के कठिन शब्दों के लिए वे डिक्शनरी खोलते थे, वैसे ही जीवन की दुविधाओं अर्थात द्वंद का समाधान पाने के लिए वो गीता का सहारा लेते थे। ये कहा जा सकता है कि गीता एक संपूर्ण जीवन संहिता है, जीने की आचार संहिता है। हर मनुष्य के अंदर सही और गलत के बीच होने वाले द्वंद का गीता समाधान देती है। सही क्या है और गलत क्या है, हम क्या करें क्या न करें, यह अंतर द्वंद सबको परेशान करता है, सबको। ऐसे दो राहों पर सही और गलत के बीच चुनाव करने का विवेक गीता में ही है, मात्र गीता में। और यहां पर मैं एक प्रसंग आप सबके साथ साझा करना चाहूंगा, गांव का प्रसंग। एक ग्रामीण क्षेत्र में एक मुखिया था, उसका एक छोटा बच्चा, उस छोटे बच्चे को लेकर के गांव वालों से बात की, प्रत्येक दिन हमें विद्यालय जाना है, ट्रेन पकड़नी है, ट्रेन की बात आती थी, रेलगाड़ी। गांव वालों ने सुझाव दिया कि आप अच्छा होगा कि किसी अच्छे घोड़े को आप खरीद लीजिए। उसने घोड़ा खरीद लिया, बात सही थी, घोड़े पर बैठ कर कर जाओगे, समय की बचत होगी, समय पर आपको ट्रेन मिलेगी। जब उसने घोड़ा खरीदा, उसके साथ में जब घर से निकला, उसी गाँव का एक नकारात्मक सोच का व्यक्ति वो हमेशा गाँव के बाहर खड़ा। और जब वो मुखिया पहले दिन चला अपने गांव से निकल करके, तो उसने अपने बेटे को घोड़े पर बिठाला और स्वयं घोड़े की लगाम लेकर के आगे बढ़ने लगा। तो जो नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति था उसने टोका, मुखिया जी आप क्या कर रहे हो? छोटा बच्चा तो वो दौड़ भी सकता है, वो तो घोड़े की चाल चल सकता है, आप बुजुर्ग हो गए हैं, आपको बैठना चाहिए। और उसके मन में द्वंद्व शुरू हुआ, और ये द्वंद्व शुरू हुआ चलते चलते वो पहुंच तो गया, लेकिन पता चला कि उसकी ट्रेन छूट गई, अर्थात उसका जो गंतव्य लक्ष्य था वो छूट गया। वापस आया, दूसरे दिन फिर मुखिया ने कहा आज हम चलेंगे। उसने सोचा कि नहीं, बच्चे को आज हम पैदल चलाएंगे, हम खुद बैठेंगे। जैसे ही निकला वो गाँव से, खुद बैठ गया घोड़े पर सवार होकर के, बच्चे को उसने नीचे चलाया कि बेटे तुम घोड़े के साथ साथ दौड़ते रहना। जब वो ये प्रक्रिया चल रही थी, उसी समय एक दूसरा व्यक्ति आता है थोड़ी दूर पर जाकर के, उसने कहा मुखिया जी
आप कितने, आपको शर्म नहीं आती? छोटे बच्चे को आपने नीचे जमीन पर पैदल चला रहे, घोड़े के साथ दौड़ा रहे और खुद आप उस पर बैठे हुए। इस प्रकार के द्वंद जब उसके मन में चलते रहे, उस दिन भी उसकी ट्रेन छूट जाती। एक मैं उदाहरण दे रहा हूं। तीसरे दिन वो फिर मुखिया चला। अब कि उसने सोचा कि नहीं, ये जो दोनों बातें ठीक नहीं है, ऐसा करते हैं कि तीसरे दिन जो है वो हम दोनों लोग बैठते हैं, पिता भी बैठा पुत्र भी बैठा, और दोनों जब चलने लगे तो एक तीसरा व्यक्ति नकारात्मक सोच का मिलता है और वो कहता है, मुखिया जी ये बेचारा पशु, आप इस पर कितना अत्याचार कर रहे हो, आपको शर्म नहीं आती? एक दिस इज ए क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल्स। तो वो उसने कहा कि क्या करना, ये द्वंद उसके फिर चलता रहा। वो चलते चलते रास्ता तो जरूर पहुंचा, ट्रेन उसकी फिर छूट गई, फिर वापस आता है। और चौथे दिन वो फिर सोचता है कि नहीं, इस बार हम घोड़े को, हम दोनों पैदल चलेंगे और घोड़े को भी साथ में लेके चलेंगे। और चौथे दिन जब वो ये करने लगा तो एक चौथा व्यक्ति मिलता है, फिर गांव के बाहर वो कहते, मुखिया आप तो समझदार हो, हम लोगों ने आपको चुना है, इसलिए चुना है क्योंकि आप समझदार हैं, लेकिन आप ये कैसी बेवकूफी कर रहे हो कि घोड़ा आपके साथ में हो, दोनों आप पैदल चल रहे, तो फिर घोड़े को लेकर के क्यों जा रहे हो, घोड़े को गांव में छोड़ दीजिए। वो इस प्रकार से चलते चलते फिर द्वंद में रहा, वापस फिर आया, उसकी समझ में नहीं आया। एक उसी विद्या गांव में विद्यालय था, गुरुकुल की परंपरा का, उसने सोचा कि हमारे गांव में शायद इसी प्रकार के चार व्यक्ति तो मिल गए जिसने गुमराह किया और उसके मन का द्वंद था, उसको और बढ़ोतरी दी। तो वो उस गुरु गुरुकुल के जो आचार्य थे उनके पास गया, संभवतः आचार्य देवव्रत जी जैसे होंगे, अभी तो बहुत बड़े आदमी हैं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। उसने आचार्य ने कहा कि मुखिया जी आप ऐसा करिए, ये आपका द्वंद समाप्त तभी होगा, आप एक सप्ताह के लिए गीता को पढ़ डालिए। उसने कहा फिर क्या होगा? कहेंगे पढ़िए गीता, पढ़िए, उसके बाद में एक सप्ताह बाद मुझे अपनी यात्रा प्रारंभ करने से पहले मिलिएगा मुझे। एक सप्ताह तक पढ़ा, उसके बाद में वो फिर मिला। मुखिया ने कहा कि आचार्य जी और मेरे समझ में आ गया है। पहले क्या समझ लाया? उसने कहा मैंने समझ लिया है कि जब मैंने घोड़ा खरीदा था इसी बात के लिए खरीदा था कि ये हमारी यात्रा को, लंबी यात्रा को जल्दी तय करेगा, और हम किसके चक्कर में आ गए, कि हमारा द्वंद क्यों वहां क्यों ऐसा आ गया, अब हम दोनों बैठेंगे। उसने कहा और क्या समझ में आया? उसने कहा और एक बात समझ में आई, अगर हम एक आदमी पिता बैठता या पुत्र बैठता तो ये घोड़ा जो है घोड़े के साथ में ताल कदम करके जो पैदल चल रहा वो नहीं चल सकता था, तब भी छूटता। और तीसरी बात ये थी, तीसरा फायदा ये हुआ हमारा कि इसे हमारा घोड़ा जो था, क्योंकि जो चारों व्यक्ति थे उनके मन में कुछ नकारात्मक सोच थी और वो चाहते थे कि इसका घोड़े को हम जो है वो छीन करके भगाए। तो कहेंगे तीनों चीजें आपके समझ में आ गई, द्वंद से मुक्त हो गए। और उसने ये कहा कि बिल्कुल मैं मुक्त हो गया। और जिस पांचवें दिन जब वो बैठ करके चलता है, पिता भी बैठता है, बेटा भी बैठता है, और जैसे ही उसने घोड़े को पीछे से एक डंडी मारी, घोड़ा दौड़ता हुआ, और मुझे लगा जब वो पहुंचा स्टेशन पर तो कहा गया कि साहब अभी ट्रेन आई नहीं है, क्योंकि आप समय से पहले पहुंचे। ये जो हर व्यक्ति के, एक मैंने उदाहरण दिया, हर व्यक्ति के मन में जो द्वंद होता है, ये द्वंद तभी समाप्त होगा जब आप समभाव से हर चीज को देखेंगे। अभी हमारे महत्वपूर्ण विद्वानों ने इसी बात का उल्लेख किया, स्वामी ज्ञानानंद जी ने, यही बात है कि आपको उन दोनों में एक समन्वय और तालमेल बनाना होगा, भौतिकता में और आध्यात्मिकता में, न्याय में और अन्याय में। ये इसका जो समाधान है वो केवल और केवल गीता तक सीमित है। मैं अंतिम उसमें हूं क्योंकि मैं स्वयं जल्दी में हूँ, मित्रों मेरे दो कार्यक्रम दिल्ली में भी लगे हुए हैं। गीता योग शास्त्र है, गीता में निहित योग समस्त मानव जाति की हित के लिए है। गीता में युद्ध का परिदृश्य तो है पर वैर भाव नहीं है। युद्ध क्षेत्र में हुए इस कृष्ण अर्जुन संवाद में वसुधैव कुटुंबकम की भावना बार बार व्यक्त होती है। अभी हमने स्वामी ज्ञानानंद जी के विद्वतापूर्ण विचार सुने,
अन्य विद्वानों के भी विचार सुने। हमारा प्रत्येक कर्म योग भी हो सकता है और हो भी। ये हमारा चुनाव है कि हम इसे कर्म योग बनाएं या कर्म को। जिस कर्म को हम स्वार्थ और सुख के लिए करते हैं वो कर्म भोग बन जाता है, और जब हम परोपकार के लिए कर्तव्य भाव से करते हैं तो यही कर्म योग बन जाता है। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि भारत अपने मूल स्वरूप में कर्म भूमि है, भोग भूमि नहीं है। कर्म योग हमें भोग मुक्त करता है और लोक कल्याण में लगाता है। कर्म योग में मन को सम भाव के साथ शांत और स्थिर रखने की आवश्यकता होती है। जो सामने उपस्थित है उस कर्म को पूरी निष्ठा से करना है। शांत और स्थिर मन से किया गया काम अच्छे परिणाम देता है, मनोबल बढ़ाता है और जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते खोजता है। मैं एक बार फिर हरियाणा की बेटियों की याद दिलाऊंगा, क्योंकि उन्होंने यही किया। उन्होंने जो अपने जीवन में आगे बढ़ी हैं वो उस द्वंद से निकल करके आगे बढ़ी हैं। मेरा मानना है कि जो व्यक्ति गीता को अपने आचरण में ढालेगा वो झंझावात और द्वंद से मुक्त होगा, स्थिर रहेगा, शांत रहेगा और सफल रहेगा। पूरी मानवता के लिए योग शास्त्र गीता अत्यंत उपयोगी है। विश्व समुदाय 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का निर्णय सहजता और शीघ्रता के साथ इसलिए कर पाया कि योग पूरी मानवता के कल्याण के लिए है। गीता पूरे विश्व के लिए आध्यात्मिक दीप स्तंभ है। अध्यात्म भारत की आत्मा है जो पूरे विश्व के लिए भारत का उपहार है। गीता भारतीय अध्यात्म का सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध ग्रंथ है। गीता का संदेश देश और काल से ऊपर है। प्राचीन काल के कृषि पर आधारित समाज से लेकर पार्वती काल में वाणिज्य और उद्योग पर आधारित समाज तक, और उसके बाद भी जो नॉलेज सोसाइटी तक, गीता की प्रासंगिकता हर युग में रही है और आगे भी बनी रहेगी। मैटेरियलिज्म और कॉम्पिटिशन से घिरी डिजिटल एज की युवा पीढ़ी में तनाव, असुरक्षा और दुविधाएं बढ़ रही हैं। ये डिजिटल एज का एक निगेटिव पहलू है, जिसमें कि एक आजकल बहुत आ रहा है ब्लू व्हेल का, उसकी चर्चा करना बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन वो कहाँ ले जाती है व्यक्ति को या छोटे छोटे नौजवानों को कहाँ ले जाती है, मृत्यु के कगार पर खड़ी कर देती है। लेकिन इसमें भी यदि वो गीता का सार उसके पास है तो वो इससे भी मुक्त हो जाएगा। ऐसे में गीता उनके लिए आध्यात्मिक औषधि है। आधुनिक युग में पश्चिम में अमेरिका से लेकर पूर्व में जापान तक योग की लोकप्रियता योग शास्त्र गीता की अंतर्राष्ट्रीय और युगातीत प्रासंगिकता को रेखांकित करती है। आज के डिजिटल युग में गीता के संदेश को पूरे विश्व में प्रसारित करना और भी आसान हो गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव हरियाणा के, भारत के और पूरी मानवता के नैतिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का उत्सव है। मैं इस आयोजन के लिए राज्य सरकार को, आयोजकों को और हरियाणा की जनता को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि गीता के संदेश को सभी भारतवासी अपने आचरण में ढालकर एक बेहतर राष्ट्र और बेहतर विश्व के निर्माण में अपना योगदान देते रहेंगे। मुझे लगता है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की सार्थकता उस दिन पूरी होगी जिस दिन हमारे इस प्रकार के महोत्सव होने बंद हो जाए। वो थोड़ा कठिन है, क्योंकि उस समय हर व्यक्ति वो गीता महोत्सव, हर व्यक्ति जो है वो इंडिविजुअल जो है ही हिमसेल्फ बिकम ए महोत्सव, गीता महोत्सव। अभी तो हम इकट्ठे होते हैं, एकत्रित होते हैं, गीता के प्रचार प्रसार की बात करते हैं। ये जरूरी है, और जरूरी इसलिए है क्योंकि जिस स्टेज की हम बात कर रहे हैं कि ये गीता महोत्सव जो प्रत्येक वर्ष मनाते हैं, प्रत्येक वर्ष नहीं बल्कि हम अपने घरों में, अपने दिलों में और अपने में यदि हम यही महोत्सव प्रत्येक दिन मनाएं तो मुझे लगता है इसकी और भी सार्थकता होगी। धन्यवाद। जय हिंद।